हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आपका स्टडी बूस्ट में। यह है क्लासिफिकेशन का पार्ट 5। इससे पहले पार्ट 4 तक हम कर चुके हैं, जिसमें हमारे दो टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। पहला टाइप शब्द समूह पर आधारित प्रश्न, दूसरा टाइप अक्षर समूह पर आधारित प्रश्न। दोनों ही टाइप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस पार्ट में हम करेंगे जो तीसरा टाइप है, संख्या समूह पर आधारित प्रश्न। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, संख्या समूह पर आधारित प्रश्न इसका मतलब क्या होता है। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों के अंतर्गत चार संख्या समूह आपको दिए गए होते हैं, जिसमें से तीन के मध्य कोई ना कोई आपसी संबंध होता है, अर्थात वे अपना एक अलग समूह बनाते हैं। जो संख्या समूह नहीं आता है वही अविष्ट उत्तर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको चार संख्या दी गई होंगी, जिसमें से तीन संख्याओं के बीच में आपस में कोई रिलेशन होगा, वह एक समूह बनाएंगे। लेकिन एक चौथी संख्या होगी जो तीनों संख्याओं से अलग होगी, और वह अलग संख्या ही हमारा आंसर होगी। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या समूह चुनिए। अब देखिए, यहाँ चार संख्या दी गई है, इसमें से तीन संख्याओं के बीच में आपस में रिलेशन होगा और वह अपना एक ग्रुप बनाएंगे। लेकिन एक चौथी संख्या होगी जो तीनों संख्याओं से अलग होगी, और वह अलग संख्या ही हमारा आंसर होगी। तो देखिए, इन चारों में अलग संख्या कौन सी होगी। अब देखिए, पहली संख्या है 2। 2 क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं दोस्तों जो सिर्फ स्वयं से विभाजित होती है, जिसमें स्वयं से भाग जाता है और किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाता। जैसे देखिए, 2, 2 में किसका भाग जाएगा, सिर्फ 2 का भाग जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब देखिए, दूसरी संख्या है 15। 15 क्या है, 15 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो एक से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती है। इसका मतलब हुआ उसमें एक से अधिक संख्याओं का भाग चला जाएगा। जैसे देखिए, 15, 15 में कौन कौन सी संख्या का भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा, 5 का भाग चला जाएगा और 15 का भाग चला जाएगा। तो वे संख्याएं जिसमें एक से अधिक संख्याओं का भाग जा सकता है वे संख्याएं भाज्य कहलाती है, और वे संख्याएं जिसमें सिर्फ स्वयं से भाग जाता है वे अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। अब देखिए, तीसरी संख्या है 11। 11 भी एक अभाज्य संख्या है, इसमें भी देखिए सिर्फ 11 से भाग जाएगा। चौथी संख्या है 13। 13 भी एक अभाज्य संख्या है, इसमें भी देखिए सिर्फ 13 से भाग जाएगा। अब देखिए, तीन संख्याओं में हमें रिलेशन मिल रहा है, पहली संख्या 2, तीसरी संख्या 11 और चौथी संख्या 13। तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं जो सिर्फ स्वयं से विभाजित होंगी, तो इनका एक समूह बन रहा है, इनमें आपस में रिलेशन है। अब जो दूसरी संख्या है 15, यह एक भाज्य संख्या है, इसमें एक से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है। तो जो अलग संख्या समूह होगा वो कौन सा होगा, दूसरी संख्या होगी 15, यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसमें जो रिलेशन दिया गया है वह भाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं के बीच में दिया गया है। यहाँ तीन अभाज्य संख्याएं आ रही हैं और एक भाज्य संख्याएं आ रही है, तो जो अलग संख्या होगी वह भाज्य संख्या होगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमें अलग संख्या समूह बतानी है। पहली संख्या है 18। 18 देखिए एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्याएं भी हैं जिसमें एक से अधिक संख्याओं का भाग चला जाए। तो देखिए, 18 में कौन कौन सी संख्या का भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा, 6 से भाग जाएगा, 9 से और 18 से भी भाग चला जाएगा। दूसरी संख्या है 23। 23 एक अभाज्य संख्या है, इसमें देखिए सिर्फ 23 से भाग जाएगा। तीसरी संख्या है 19। 19 भी एक अभाज्य संख्या है, इसमें भी सिर्फ 19 से भाग जाएगा। चौथी संख्या है 17। 17 भी एक अभाज्य संख्या है, इसमें सिर्फ 17 से भाग जाएगा। तो देखिए, तीन संख्याओं में हमें रिलेशन मिल रहा है, 23, 19 और 17, तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं जो आपस में रिलेशन बनाती हैं। लेकिन पहली संख्या है 18। 18 एक भाज्य संख्या है, तो इन चारों संख्याओं में जो अलग संख्या होगी वो कौन सी संख्या होगी, 18 होगी, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पहली संख्या 32, दूसरी 36, तीसरी संख्या 30 और चौथी संख्या 44। अब इन चारों में अलग संख्या कौन सी होगी, इसे हम कैसे पहचानेंगे। अगर सभी संख्याओं को ध्यान से देखें तो सभी संख्याएं सम संख्या हैं, और सभी सम संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है। 32 में भी 2 का भाग चला जाएगा, 36 में, 30 में और 44 में भी, मतलब चारों संख्याओं में 2 का भाग चला जाएगा। अगर हम दूसरी संख्या से भाग देना चाहें तो यदि हम 32 में 4 से भाग दें, तो देखिए 4 से भाग देंगे, 32 में कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है। अगर 36 में हम 4 का भाग देंगे तो देखिए 4 9 36, 9 बार जा रहा है। अगर 30 में हम 4 से भाग दें तो देखिए 4 का भाग 30 में दे रहे हैं, 4 7 28 आ रहा है। 30 में से 28 कम कर रहे हैं, कितना बच रहा है, 2, ये शेष बच रहा है। तो देखिए, 4 का भाग यदि हम 30 में दे रहे हैं तो 7 बार जा रहा है और 2 शेष बच रहा है। इसी तरह यदि हम 44 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। तो आपको रिलेशन समझ में आ रहा होगा दोस्तों, जो तीन संख्याएं हैं उसमें 4 का भाग पूरी तरह से चला जा रहा है, लेकिन जो तीसरी संख्या है 30 है, इसमें 4 का भाग पूरी तरह से नहीं जा रहा है, 7 बार जा रहा है और 2 शेष बच रहा है। तो इन चारों में जो अलग संख्या होगी वो कौन सी संख्या होगी, 30 होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि तीन संख्याओं में 4 का भाग पूरी तरह से जा रहा है, 32 में, 36 में और 44 में, इन तीनों संख्याओं में 4 का भाग पूरी तरह से चला जा रहा है, लेकिन जो 30 है इसमें 4 का भाग पूरी तरह से नहीं जा रहा है, 7 बार जा रहा है और 2 शेष बच रहा है।
तो अलग संख्या हो जाएगी 30 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, पहली संख्या 56, दूसरी संख्या 32, तीसरी संख्या 128, चौथी संख्या 79। अब इन चारों में अलग संख्या कौन सी होगी? अगर सभी संख्याओं को ध्यान से देखें, पहली संख्या 56, दूसरी संख्या 32 और तीसरी संख्या 128, ये तीनों संख्याएं सम संख्याएं हैं लेकिन 79 एक विषम संख्या है। अगर आपको रिलेशन समझ में आ गया हो तो देखिए, तीन संख्याएं सम संख्याएं हैं लेकिन जो चौथी संख्या 79 ये विषम संख्या है, यह अलग संख्या होगी, यही हमारा हो जाएगा आंसर। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? यदि हम भाग देकर देखें, 56 में यदि हम 4 का भाग दें कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, 4 चौको 16, 14 बार गया। 32 में भी यदि हम 4 का भाग दें तो देखिए, 4 8 32, 8 बार गया। 128 में भी हम 4 का भाग दें, 4 3 12, 4 2 8, इसमें 32 बार भाग जा रहा है। अगर 79 में हम 4 का भाग देंगे तो देखिए, 79 में हम 4 का भाग दे रहे हैं, 4 एकम 4, 7 में से 4 कम करेंगे 3 आएगा, 9 लिखेंगे, फिर 4 का भाग देंगे, 4 9 36, 9 बार जाएगा, यहाँ लिखेंगे 36, 39 में 36 कम करेंगे 3 आएगा, 3 ये बचेगा शेष। अब देखिए, हमने 79 में 4 का भाग दिया, 19 बार गया और 3 शेष बचा, तो 4 का भाग 79 में पूरी तरह से नहीं जा रहा है। इससे पहले जो तीन संख्याएं थी 56, 32 और 128, इसमें 4 का भाग पूरी तरह से जा रहा था लेकिन 79 में 4 का भाग पूरी तरह से नहीं जा रहा, तो जो अलग संख्या होगी वो कौन सी होगी? 79 होगी। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, चार संख्याएं दी गई हैं, 123, 459, 628, 716, कौन सी अलग संख्या होगी? पहली संख्या 123, 123 एक विषम संख्या है, 459 भी एक विषम संख्या है, 628 एक सम संख्या है, 716 भी एक सम संख्या है। तो देखिए, सम और विषम का जो लॉजिक है वो तो इसमें गलत हो गया। अब दूसरा लॉजिक लगाने की कोशिश करें, संख्या के सभी अंकों को यदि हम टोटल करें तो 123 में देखिए 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा? 6। 459 में देखिए 4 + 5 + 9 कितना आ जाएगा? 18। 628 में देखिए 6 + 2 + 8 यहाँ हो जाएगा 16। 716 में 7 + 1 + 6 यहाँ हो जाएगा 14। तो देखिए, चारों संख्याओं के यदि हम अंकों को जोड़ रहे हैं तो अलग अलग टोटल मिल रहा है, तो ये लॉजिक भी हमारा गलत हो गया। अब हम दूसरी तरीके से लॉजिक लगाने की कोशिश करें, यदि संख्या के पहले और दूसरे अंक को जोड़ें तो देखिए, 123 का पहला अंक है 1, दूसरा अंक है 2, 1 और 2 को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है? 3। देखिए, तीसरा अंक हमें मिल गया, तो लॉजिक क्या समझ में आया? जो संख्या दी गई है उसके पहले और दूसरे अंक को जोड़ रहे हैं तो तीसरा अंक मिल रहा है। अब दूसरी संख्या 459, इसका पहला अंक है 4, दूसरा अंक है 5, 4 और 5 को जोड़ रहे हैं तो देखिए 9 आ रहा है, ये तीसरा अंक हमें मिल गया। तीसरी संख्या देखिए 628, पहले अंक है 6, दूसरा अंक है 2, 6 और 2 को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है? 8। देखिए, तीसरा अंक मिल गया 8। चौथी संख्या देखिए 716, पहला अंक है 7, दूसरा अंक है 1, 7 और 1 को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है? 8, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? 6। तो चौथी संख्या में ये लॉजिक नहीं लग रहा है दोस्तों, तो अलग संख्या कौन सी हो जाएगी? 716, यही हो जाएगा हमारा आंसर। लॉजिक हमें क्या मिला था? पहली संख्या के पहले और दूसरे अंक को जोड़ रहे थे, इससे तीसरा अंक हमें मिल रहा था, लेकिन 716 में क्या लॉजिक लग रहा है? पहला अंक से दूसरा अंक घटा रहे हैं, देखिए 7 में से 1 घटा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? तीसरा अंक 6। तो जो अलग संख्या होगी वो कौन सी होगी? 716, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्डवा क्वेश्चन देखिए, 480, 140, 720 और 360 में अलग संख्या कौन सी होगी? अगर सभी संख्याओं को ध्यान से देखें तो सभी संख्याओं के आखिरी अंक में हमें 0 मिल रहा है। मान लेते हैं हम सभी संख्याओं के आखिरी अंक से 0 हटा दें तो यहाँ संख्या बचेगी 48, यहाँ बचेगा 14, यहाँ बचेगा 72 और यहाँ बचेगा 36। अब देखिए, तीन संख्याओं को ध्यान से देखें, 48, 72 और 36, ये तीनों संख्या किस संख्या के पहाड़ा पढ़ने पर आपको मिल जाती है? अगर आप 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपको 48 मिलेगा, 72 मिलेगा और 36 मिलेगा। तो मान लेते हैं हम इन तीनों संख्याओं में 12 का भाग दे दें। पहली संख्या 480, इसमें हम 12 का भाग देंगे, 12 चौको 48, देखिए 40 बार भाग जा रहा है। अगर 720 में हम 12 का भाग दें, 12 6 72, 60 बार भाग जा रहा है। अगर 360 में भी हम 12 का भाग दें तो 12 3 36, इसमें 30 बार भाग जा रहा है। तो तीनों संख्याओं में 12 का भाग पूरी तरह से चला जा रहा है। अब हम 140 में 12 का भाग देकर देखेंगे, देखिए 12 का भाग हम 140 में देंगे तो 12 एकम 12, यहाँ लिखेंगे 12, 14 में से 12 कम करेंगे 2 आएगा, यहाँ लिख देंगे 0, फिर 12 एकम 12, 20 में से 12 कम करेंगे कितना आएगा? 8। तो देखिए, 140 में जब हम 12 का भाग दे रहे हैं तो 11 बार जा रहा है और 8 शेष बच रहा है। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा दोस्तों, जो तीन संख्याएं हैं 480, 720 और 360, इसमें 12 का भाग पूरी तरह से चला जा रहा है लेकिन 140 में 12 का भाग 11 बार जा रहा है और 8 शेष बच रहा है, मतलब 140 में 12 का भाग पूरी तरह से नहीं जा रहा है। तो जो अलग संख्या होगी वो कौन सी होगी? 140 होगी और यही हो जाएगा हमारा आंसर। सातवां क्वेश्चन देखिए, पहली संख्या 51, दूसरी संख्या 81, तीसरी संख्या 15, चौथी संख्या 63। तो 51 को हम क्या लिख सकते हैं? 17 × 3 लिख सकते हैं। 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 × 9। 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3 और 63 को हम लिख सकते हैं 9 × 7। अगर हम ध्यान से देखें तो 81 एक ऐसी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए, ये 9 का वर्ग है, 9 × 9 मतलब 9 का वर्ग है,
इक्यासी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 51, 15 और 63 ये तीनों संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, लेकिन 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो अलग संख्या कौन सी हो जाएगी? 81, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आठवां क्वेश्चन, 729, 512, 625, 343 कौन सी संख्या अलग होगी? पहली संख्या 729, 729 को हम लिखेंगे 9 × 9 × 9, ये हो जाएगा 9³, मतलब 729 किस संख्या का घन होगा? 9 का घन होगा। 512 को हम लिखेंगे 8 × 8 × 8, यहाँ हो जाएगा 8³, 512 हो जाएगा 8 का घन। 625 को हम लिखेंगे 5 × 5 × 5 × 5, 5 × 5 हो जाएगा 25, इसी तरह यहाँ 5 × 5 25, 25 × 25 मतलब 25 का वर्ग। 625 किस संख्या का वर्ग होगा? 25 का। 343 को हम लिखेंगे 7 × 7 × 7, ये हो जाएगा 7³, 343 हो जाएगा 7 का घन। अब रिलेशन हमें समझ में आ गया, 729 किस संख्या का घन है? 729 घन है 9 का। 512 किस संख्या का घन है? 512 घन है 8 का। और 343 घन है 7 का। अब देखिए जो 625 है ये किसका वर्ग है? ये वर्ग है 25 का, तो अलग संख्या कौन सी होगी? 625 होगी, यह वर्ग है 25 का, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। नौवां क्वेश्चन देखिए, पहली संख्या 1467, दूसरी संख्या 3245, तीसरी संख्या 4231, चौथी संख्या 5876, इन चारों संख्याओं में अलग संख्या कौन सी होगी? कैसे पता करें? अगर सभी संख्याओं को ध्यान से देखें और उनके अंकों को देखें, दूसरी संख्या देखिए 3245, अगर 3245 के सभी अंकों को हम उसके क्रम के अनुसार जमा दें जो जैसे क्रम में आता हो, जैसे देखिए पहले आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इसी तरह तीसरी संख्या 4231 के सभी अंकों को हम क्रम के अनुसार जमाएं, पहले आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसी तरह चौथी संख्या 5876 के सभी अंकों को हम क्रम के अनुसार जमाएं, 5 आएगा, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, मतलब देखिए तीनों संख्याओं में जो रिलेशन लग रहा है वो क्रमागत अंकों का रिलेशन लग रहा है, एक के बाद अगली संख्या आ रही है, लेकिन पहली संख्या 1467 में देखें तो देखिए एक के बाद आ रहा है 4, फिर 6, फिर 7, लेकिन इसमें जो क्रमागत अंक है वो नहीं आ रहे हैं, जैसे देखिए दूसरी संख्या में 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इसी तरह तीसरी संख्या में 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, चौथी संख्या में देखिए 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, लेकिन पहली संख्या में ऐसा नहीं हो रहा, 1 के बाद यहाँ 4 आ रहा है जबकि 2 आना था और 3 आना था, तो जो अलग संख्या होगी वो कौन सी संख्या होगी? पहली संख्या होगी 1467, यही हो जाएगा हमारा आंसर। दसवां क्वेश्चन देखिए, पहली संख्या 6½, दूसरी संख्या 8 15, तीसरी संख्या 12 18 और चौथी संख्या 22 28। अब देखिए चारों संख्याओं में अलग संख्या कौन सी होगी? पहली संख्या देखिए 6½, 6 से 12 हम कैसे बना सकते हैं? 6 में यदि हम प्लस 6 को जोड़ेंगे तो हमें 12 मिलेगा। दूसरी संख्या देखिए 8 15, 8 से 15 हम कैसे बनाएंगे? 8 में यदि हम प्लस 7 को जोड़ें तो हमें 15 मिलेगा। तीसरी संख्या देखिए 12 18, 12 से 18 हम कैसे बनाएंगे? यदि 12 में हम प्लस 6 को जोड़ें तो हमें 18 मिल जाएगा। चौथी संख्या देखिए 22 से 28, 22 से 28 बनाना है तो 22 में यदि हम प्लस 6 को जोड़ेंगे तो हमें 28 मिल जाएगा। अब देखिए तीन संख्याओं में देखिए, पहली संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या, इन तीनों संख्याओं में प्लस 6 का रिलेशन लग रहा है, लेकिन जो दूसरी संख्या है 8 15, यहाँ प्लस 7 का रिलेशन लग रहा है, तो अलग संख्या कौन सी हो जाएगी? ये 8 15 होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ग्यारहवा क्वेश्चन देखिए, पहली संख्या 8 512, दूसरी संख्या 7 343, तीसरी संख्या 3 27 और चौथी संख्या 4 16। तो देखिए पहली संख्या 8 512, 8 से हम 512 कैसे बना सकते हैं? 8 का यदि हम वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा 64, 8 का यदि हम घन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 512, तो यहाँ 8 का घन दिया गया है। दूसरी संख्या देखिए 7 से 343 हम कैसे बना सकते हैं? यदि हम 7 का वर्ग करें तो हमें मिलेगा 49, यदि हम 7 का घन कर दें तो हमें मिल जाएगा 343, यहाँ भी देखिए 7 का घन दिया गया है। तीसरी संख्या देखिए 3 27, 3 से 27 हम कैसे बना सकते हैं? 3 का यदि हम वर्ग करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, अगर 3 का हम घन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 27, तो देखिए यहाँ भी 3 का घन दिया गया है। अब चौथी संख्या देखिए 4 से हम 16 कैसे बनाएंगे? तो देखिए यदि हम 4 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 16 मिलेगा, तो यहाँ देखिए क्या दिया गया है? वर्ग दिया गया है। बाकी तीन संख्याओं में क्या दिया गया था? घन दिया गया था। देखिए 8 का 512 मतलब घन है, 7 का 343 ये भी घन है, 3 का 27 ये भी घन है, लेकिन देखिए 4 का 16 ये क्या है? वर्ग है, तो अलग संख्या कौन सी हो जाएगी? 4 16, यही हो जाएगा हमारा आंसर।